दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कैसे मैंने थाईलैंड एयरपोर्ट से सिम कार्ड खरीदा, और सिम कार्ड खरीदने के जस्ट बाद हमें अपने हॉस्टल जाना था। तो हॉस्टल जाने के लिए हमने एयरपोर्ट से ही A1 बस सर्विस चूज करके मोचित बस टर्मिनल पर उतरने का डिसाइड किया। अब आप A1 बस में 30 बात देकर मोचित बस टर्मिनल उतर सकते हैं, और इसके बाद की जर्नी यूं ही देखने के लिए एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फाइनली मोचित बस स्टेशन उतरने के बाद आपको एक ओवरब्रिज क्रॉस करके BTS मेट्रो स्टेशन पहुंचना पड़ेगा, जहां से आप मेट्रो पकड़ के डायरेक्ट सुखुमवित के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। आप जब भी किसी अननोन प्लेस पे ट्रैवल करें तो अगर आपको कोई भी छोटा सा कंफ्यूजन हो तो आप वहां के लोगों से या गार्ड से पूछने से बिल्कुल भी ना शर्माएं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। यहां थाईलैंड में लोग हेल्प करने में बिल्कुल भी नहीं शर्माते हैं। और फाइनली ये हम पहुंच गए अपने टिकट काउंटर पे। बैंकॉक में मेट्रो के टिकट्स थोड़े दूसरे टाइप के हैं, जैसे अपने यहाँ टोकन्स मिलते हैं, यहाँ पर एक सीधे सीधे आपको स्मार्ट कार्ड मिलता है। थाईलैंड में मेट्रो स्टेशंस को BTS कहा जाता है, और इस तरह का ये स्मार्ट कार्ड मिलता है जिसे आपको यहाँ पर मशीन में टैप करके एंट्री लेनी होती है, और जब आप एग्जिट करते हैं तो इस कार्ड को इसी मशीन में डालकर छोड़ दिया जाता है और आपका गेट एग्जिट हो जाता है। यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि अपने कार्ड में उतना ही बैलेंस डलवाएं जिस स्टेशन पे आपको उतरना है। जैसे मोचित से मेरा अगला स्टॉप जो होगा वो ऑननट होगा, सुखुमवित में मेरा ऑननट में हॉस्टल है तो मैं ऑननट ही उतरूंगा। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरे को कहाँ पर फाइनली जाना है। वैसे तो मोचित से ऑननट का किराया 44 बात है। यहाँ पे हम हैं, हमको घूम के जाना है कहाँ पे, फिर यहाँ पे उतरना है। और ये आ गई हमारी मेट्रो जो हमें ऑननट पे ड्रॉप करेगी। थाईलैंड में आपको ये देखने को मिलेगा कि किसी भी मेट्रो में ऐसा कोई महिला डिब्बा वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर सभी के लिए इक्वली है। और फाइनली ये मैं पहुंच गया ऑननट, और यहाँ ऑननट में एक इंडियन भाई साहब मुझे मिल गए, और इन्होंने मुझे बताया कि इनका जो हॉस्टल है ये जहाँ पर रह रहे हैं वो भी सेम स्ट्रीट में ही पड़ता है। मेरे सोए में ही है। मैं बताऊँ कहाँ मैं यहाँ पर पहुँचे पे और बताता हूँ कैसे जाना है जो मैं साथ में। और बस फिर क्या, हम दोनों निकल पड़े अपने अपने हॉस्टल्स के लिए। अब हमारे ये इंडियन दोस्त करीब यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं, तो ये अपना एक्सपीरियंस थाईलैंड से रिलेटेड मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। इन्होंने अपनी स्कूल की स्टडीज से लेकर कॉलेज स्टडीज तक थाईलैंड में ही की है, तो इसलिए ये थाईलैंड की काफी सारी अमेजिंग बातें मुझे पहले ही से बता रहे हैं। साउथ में उधर पटाया। अच्छा, बस बैंकॉक पटाया खत्म। बस 8 days के अंदर कवर नहीं कर पाऊँगा ना उधर साइड। हाँ, फुकेट और वो नेक्स्ट ट्रिप में कवर कर तो सकते हो, बट थक रहे हो। थक जाऊँगा, बहुत ज़्यादा थक जाऊँगा। बस वही है, पटाया में भी लेकिन स्कूबा डाइविंग कर सकते हो, एक दिन कर लेना, बहुत मज़ा आएंगे। और जैसे ही आप BTS से नीचे उतरेंगे आपको मोटर टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ से मोटर टैक्सी आप हायर करके इजिली कहीं पे भी बहुत कम प्राइस में जा सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मोटर टैक्सी थाईलैंड में बेस्ट है। और थाईलैंड की मोटर टैक्सी के बारे में एक और अमेजिंग बात बताऊं, थाईलैंड में जो मोटर टैक्सीज हैं इन पर आप एक टू व्हीलर पे 3 लोग बैठ के आराम से कहीं भी जा सकते हैं। जैसे इंडिया में होता है कि आप लोग 2 व्हीलर पे 3 लोग नहीं ट्रैवल कर सकते, थाईलैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। थाईलैंड में आप 2 व्हीलर पे भी 3 लोग बैठकर इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और तो और इन मोटर टैक्सीज में म्यूजिक सिस्टम भी लगे होते हैं जो बढ़िया थाई लैंग्वेज के गाने को बजाते रहते हैं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी जो ड्राइव करने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है।
लिए भाई साहब ने लाकर हमको छोड़ दिया सीधे हमारे हॉस्टल के बाहर। अब हॉस्टल पहुंचते पहुंचते हो गई थी काफ़ी रात और लगी थी मुझे बहुत ज़ोर की भूख, तो पहले पेट पूजा की जाए उसके बाद कुछ किया जाएगा। वैसे तो आज के दिन मैं बहुत थक गया हूँ, तो आज मैं बहुत ज़्यादा कहीं घूमने तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ कि थाईलैंड में मैं आखिर खा क्या रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये 7-Eleven से ख़रीदा हुआ है, इसमें ये 35 बात का चॉकलेट मिल्क शेक है और इसके बाद ये करीब 35 बात का सेम वन टाइम मील है और साइड में पड़ा हुआ है एक देसी रेडबुल। इंडियन फूड भी यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन जब आप थाईलैंड आए हो तो आप थाई फूड खाना प्रेफर करो ना। अगर आपको इंडियन ही खाना है तो आप तो इंडिया में खाते ही हो वो खाना। वैसे ये रेडबुल जो है छोटी सी, ये बड़ी काम की चीज़ है, इसमें किसी भी तरह का अल्कोहल नहीं है। ये बिल्कुल एक जैसे दवाई होती है ना मीठी वाली, बिल्कुल वैसी मीठी सी दवाई जैसी है। दोस्तों कहा था ना ये रेडबुल है बड़ी कमाल की चीज़, इसको पीने के बाद मस्त एनर्जी आ गई और चलो फिर कहीं लेकर चलता हूँ आपको घूमने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इन दोनों को कर दीजिए, और आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं जल्द से जल्द तो हमें कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा ऐसे ही अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।